तो देखिए राजस्थान के भिवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है कि नैप किए गए 3 बच्चों में से 2 के शव दिल्ली के मेहरौली के जंगल में मिले हैं। जी हाँ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीसरा बच्चा सुरक्षित मिल चुका है। परिवार के मुताबिक करनापुर में फिरौती के लिए परिवार को फोन किया था। मामले में राजस्थान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया और जिसके बाद उनके निशानदेही पर ही दिल्ली से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए। बता दें कि 6 साल का बच्चा खुद अपने आप जंगल से बाहर निकल कर आ गया था। आरोपी उसे भी मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़ गए थे। देखिए 8 लाख की फिरौती की मांग की गई थी। दरअसल 2 बच्चों की किडनैपिंग हुई थी और एक बच्चा खुद ब खुद बाहर आ गया था चलते चलते राजस्थान से। अगवा 2 बच्चों को लेकर ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली के मेहरौली में इनके शव पाए गए हैं, मेहरौली के जंगलों में ये जानकारी मिल रही है। राजस्थान से इन्हें अगवा किया गया था, 2 को अगवा किया गया था, लेकिन एक जैसे तैसे बचकर बाहर आ गया जंगलों से। ना जमीन है मेरे पास, कुछ नहीं है, तो हम 8 लाख कहाँ से लेके आएंगे। जब मैंने उससे ये पूछा भाई कहाँ से बोल रहा है, उसने ये भी नहीं बताया, फोन काट दिया, उससे नंबर नहीं लग रहा उसका। कोई सर कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन बिल्कुल डाउन चल रहा है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। थाने के अंदर जाओ तो थाने में मारने को दौड़ रहे हैं वहाँ पे। पुलिस ने टेक्निकल आधार पर, अन्य सीसीटीवी फुटेज एवं संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 2 व्यक्ति जो इस घटना से इसमें संलिप्त है, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन 3 बच्चों का अपहरण करके वो दिल्ली में मेहरौली जगह पर ले गए और वहाँ उनके दौरान बच्चों के साथ जो है उनको कहता है, जिनको हम यहाँ वो का तस्दीक के लिए और घटनास्थल के लिए लाए हैं, वो आरोपी उनके चाचा से पूर्व से भलीभांति परिचित थे। ये अनुसंधान का विषय है कि मारने के पीछे उनका मोटिव क्या था। तो फिरौती के लिए 3 मासूमों को किडनैप किया गया था, जिसमें से 2 बच्चों के शव बरामद किए गए, एक बच्चा जिंदा है। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। जयपुर से हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली के मेहरौली इलाके से ही मानव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मानव, क्या जानकारी अब तक, आखिर क्या सिर्फ किडनैपिंग की वजह फिरौती थी या फिर कुछ और भी वजह? वजह हम आपको बताएंगे कि बच्चों की हत्या किस वजह से की गई, लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखा देती है। आप ये घना जंगल देखिए और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इस घने जंगल के बीच 2 बच्चों के शव मिले हैं और जिनकी उम्र बताई जा रही है 13 साल और 8 साल। एक 6 साल का बच्चा था, वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 15 से 16 की रात यहाँ पर बच्चों को लाया गया। अभी जांच में ऐसी जानकारी मिली है। उसके बाद दरिंदों ने दोनों बच्चों की हत्या कर दी। 3 बच्चों को अगवा करके राजस्थान के भिवाड़ी, जो कि अलवर का इलाका है, वहां से लाया गया था और फिरौती मांगी गई थी 17 तारीख को, यानी बच्चे लापता हुए 15 तारीख को, 17 को फिरौती मांगी गई। तो अभी यहां पर जो बच्चों के शव हैं वो जंगल में हैं, क्योंकि ये 2 राज्यों का मामला है। एक तरफ राजस्थान की FSL की टीम यहां पर अभी छानबीन करके गई है, अभी दिल्ली पुलिस की FSL की टीम यहां पर आने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक सनसनीखेज मामला है, दिल दहलाने वाला मामला है, क्योंकि 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि एक 6 साल का बच्चा अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। और बताया ये जा रहा है कि इस मामले में जो बच्चों के पिता हैं ज्ञान सिंह, उनका विवाद हुआ था पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति से, क्योंकि उस व्यक्ति के घर पर जाके बच्चे टीवी देखा करते थे। उसके बाद ये विवाद हुआ कि आपके बच्चे घर पर टीवी देखते हैं, आप पास में घर ले लीजिए, तो कुछ ऐसा विवाद था। उसके बाद अब यहाँ पर जो बच्चों के शव है वो इस वक्त जंगल में ही मौजूद है, क्योंकि 2 राज्यों की पुलिस इसमें काम कर रही है, तो ऐसे में तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परिजनों का ये भी कहना है कि इसमें जो मदद की जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन जब जी मानव, आप जिस तरीके से बता रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अभी आपने जिक्र किया कि पड़ोसी से विवाद था और एक 6 साल का मासूम बच्चा निकल आया है वहां से, उनके चुंगल से कैसे भी, क्या वो बच्चा कुछ भी ऐसा बता पाया है जिससे पुलिस को सहूलियत हो? देखिए, बच्चे की उम्र काफी कम है और दिल्ली पुलिस ने जब उससे पूछा, क्योंकि बच्चा उनको यहाँ पर 15 के दिन में मिला था और 15 के बाद ही बच्चे, 15 से पहले बच्चे अगवा हुए थे, 17 को फिरौती मांगी गई, तो बच्चे ने कुछ अभी बताया नहीं है। लेकिन जो बच्चों के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे के चाचा हमारे साथ हैं, राधेश्याम। राधेश्याम, क्या घटना थी, पूरा मामला विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताइए। घटना सर ये थी, हम दोनों भाई 5 बजे सुबह मंडी मार्केट में ठेले लगाते हैं, तो भाई ने अपने बच्चे रूम पे छोड़ के आया था। वो रूम से जब हम लोग यहाँ से 11 बजे गए रूम पे, तो भाई बेकरार हो गया, उसने समझा कि भाई के रूम पे गए होंगे बच्चे, बच्चे मेरे रूम पे नहीं। तो हम ठेले दखियादे थक जाते हैं, तो हम 1 घंटे के लिए सो गए। जब हम 3 बजे जब सो के उठे, 3 बजे जब हम अपनी ठेली लेके गए,
तब भाई ढूंढ रहा था इधर उधर साइकिल लेके अपनी, फिर भाई ने मेरे पास फोन किया, भाई कहाँ है? हमने कि भाई मैं मार्केट में ठेली लेके जा रहा हूँ। जब ठेली लेके मैं जा रहा था, जब फिर भाई के पास में भाग के गया, मैंने तुरंत ठेली ऐसी छोड़ दी मार्केट में। फिर भाई बोल रहा कि भाई मेरे बच्चे अब आए नहीं, तो हमने आए नहीं थाने, चलो कंप्लेंट करते हैं थाने में। पहले तो कुछ ढिलवाई पड़ी रही, लापरवाही पड़ी रही, उसके बाद में फिर जब हम लोग कुछ टाइट हुए, तब थाने वाले टाइट हुए हैं। फिर थाने वालों ने ये मतलब पूरा प्रशासन ने अपना काम पूरा कर रहे हैं। ये आप लोग को ये कब पता लगा कि बच्चे दिल्ली पहुंच गए हैं, दिल्ली के आसपास के इलाके में हैं, और फिरौती कब मांगी गई? फिरौती सर कल मांगी गई है, सुबह आया था फोन, शाम बिल्कुल मानव आप बनाए रखें, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन रुक कर लेंगे भवानी का भी, क्योंकि भवानी अब इसमें एक एंगल पड़ोस का भी आ रहा है। जिस तरीके से पूरी गुत्थी खुलती हुई दिखाई दे रही है, और पूछताछ के दौरान जो गिरफ्तारियां अभी तक की गई है, क्या कुछ निकलकर अपडेट सामने आई है, क्या कुछ कॉन्क्रीट दिखाई दे रहा है? देखिए, पहले तो ये चमत्कार से कम नहीं है कि तीसरा बच्चा जो शिवा जिंदा मिला है, उसका गला घोटा गया था, और गला पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन एक घंटे वो बेहोश रहा, उसके बाद में बच्चा खड़ा हुआ और फिर उसके बाद में बच्चा अपने आप आ गया। तो एक इस तरीके से ये एक तरह से चमत्कार है जिसको ये मरावा मान के चल रहे थे, क्योंकि छोटा बच्चा था, उन्होंने सोचा गला घोंट दिया और अब मर गया होगा, लेकिन वो अब बिल्कुल जिंदा है और बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने किडनैप किया है, दो किडनैपर थे, दोनों को अरेस्ट कर दिया पुलिस ने, और दोनों नशे के आदि थे। पुलिस का प्रारंभिक तौर पर ये कहना है कि अभी तक की प्राइमरी पूछताछ में तो सामने आया है कि दोनों नशे के आदि थे और इसके लिए किडनैप किया गया। लेकिन इसमें एक दूसरी कहानी और भी है, जो परिजन आरोप लगा रहे हैं, और FIR के अंदर भी जो नाम लिया गया, मकान मालिक का नाम लिया गया, वहाँ पर कहा कि ये जो किडनैप है ये करवाया गया, तो इस एंगल पर तफ्तीश की जा रही है, जाँच की जा रही है कि क्या केवल ये नशे के लिए अपहरण हुआ था या फिर इसके पीछे हाथ है कि जिनके पर आरोप लगाया जा रहा है या और किसी का हाथ है, क्योंकि विरोधी बड़ी मांगी केवल नशे के लिए अपहरण हुआ था। वजह जो भी हो, लेकिन मानव हमारे सहयोगी जब दिल्ली में उन परिजनों से बात कर रहे, तो सीधे सीधे राजस्थान की पुलिस को सवालों के घेरे में ले रहे हैं। देखिए, राजस्थान पुलिस तो वैसे भी सवालों के घेरे में, आप अंदाजा लगाइए कि बच्चा सुरक्षित मिल गया, तब तक राजस्थान पुलिस यह क्लेम कर रही थी कि तीनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी और दो के शव बरामद कर दिए गए, जबकि तीसरा बच्चा सुरक्षित मिल गया था। और राजस्थान पुलिस के उसी भिवाड़ी के एक ASP दिल्ली में अलग बात कर रहे थे, वो कह रहे थे बच्चा सुरक्षित मिल गया, दूसरे ASP बोल रहे थे कि बच्चे की दो की हत्या होगी, तीसरे की भी हत्या हो चुकी, शव बरामद करना। तो जाहिर तौर पर राजस्थान पुलिस काफ़ी गफलत में। दूसरा, जो तलाश होनी थी, आप देखिए कि 15 को जब बच्चे गायब हुए थे, उस टाइम तत्काल जो कोशिश की जानी चाहिए थी, जो फैमिली भी आरोप लगा रही है, वो कोशिश राजस्थान पुलिस की ओर से इससे पहले नजर नहीं आई थी। बच्चों की हत्या के बाद में पुलिस ने कंफर्म किया कि दो बच्चों की हत्या हो चुकी है, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक लापरवाही है जो शुरुआती तौर पर बरती गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भवानी आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से राजस्थान में मर्डर हुआ, और उसके राजस्थान से अपहरण हुआ, और फिर दिल्ली में आकर मर्डर कर देगा, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है।